कहानी सूरज और हवा। एक दिन सूरज और हवा एक पहाड़ी की चोटी पर मिले। यह एक सुहावनी सुबह थी। सूरज आकाश में चमक रहा था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। हवा ने सूरज को अपनी शक्ति का एहसास कराने का मन बनाया। वह सूरज से कहने लगी कि वह उससे ज़्यादा ताकतवर है। हवा आगे कह रही थी कि मैं सबको उड़ा सकती हूँ, मैं बादलों को बहा कर ले जाती हूँ, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देती हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। सूरज शांत होकर ध्यान से हवा की बातें सुनता रहा। जब हवा को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए काफ़ी देर हो गई तो सूरज ने कहा, चलो आज हम दोनों मुकाबला करते हैं। हवा तुरंत तैयार हो गई। सूरज ने धरती पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे देख रही हो हवा? हम दोनों में जो उस आदमी की कमीज उतरवा दे वही शक्तिशाली है। क्या तुमको ये चुनौती मंजूर है? हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सूरज ने हवा को अपनी ताकत दिखाने का मौका पहले दिया। हवा ने उस व्यक्ति की कमीज उतरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वह आदमी हवा के झोंके में उड़कर कहीं दूर जा गिरा, लेकिन उसकी कमीज नहीं उतरी। हवा तेज चलने की वजह से कमीज को उसने और जकड़ कर पकड़ रखा था। अब सूरज की बारी थी। सूरज पहले से ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगा। धरती पर गर्मी बढ़ने से वह आदमी परेशान हो गया। वह तुरंत नदी पर पहुंचा और अपनी कमीज उतारकर नहाने के लिए पानी में घुस गया। इस तरह सूरज की जीत हो गई। सूरज और हवा की ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख सिखाती है। हमें किसी पर दबाव बनाकर जीतने की इच्छा रखने से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी काबिलियत से विजय हासिल की जाए। धन्यवाद।